हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्यास क्रिएटिविटी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। पेपर से भूख के कैसे बनाए वो मैं आज आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर लिया, उसको स्क्वायर शेप में मैंने कट कर लिया। देखिए, एक्स्ट्रा पेपर मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब जो भी हमें उसको फिलअप करना है तो हम वेस्ट पेपर को उसमें फिल कर लेंगे। और उसको कवर करने के लिए उसी साइज का सर्कल कार्डबोर्ड कट किया और उस पर मैंने रेड पेपर को कवर कर लिया। और उसको देखिए, मैंने यहाँ पे कवर कर दिया इस कोन को। अब हम लोग फ्लावर बनाएंगे, रोज़ के फ्लावर बनाएंगे। उसके लिए मैंने सर्कल शेप के ही रेड पेपर को कट किया। और देखिए, जैसे सर्कल में मैंने यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ, मैं यहाँ पे उस तरह से कट करके अपने को ऐसा फोल्ड करते चले जाना है। इससे हमारा रोज़ बन के तैयार हो जाएगा। और जो लास्ट का पेपर है उसमें ग्लू लगा के वहाँ पर स्टिक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारा रोज़ बन के तैयार है। और जो हम लोग बेस तैयार किए थे उस पर ग्लू लगा के, और जो हम लोग ये देखिए फ्लावर तैयार किए हैं उस पर स्टिक कर देंगे। इसी तरह से हमें वो सर्कल को पूरे को फ्लावर से कवर करना है। अब हम लोग कोन को और डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने दिल शेप का पेपर को कट कर लिया और वहाँ पे स्टिक कर रही हूँ मैं। अब मैं बो बना रही हूँ। ऐसे ही पेपर को मैंने लंबे में कट कर लिया, उसको फोल्ड किया और फिर बीच से मैंने फोल्ड किया। अब देखिए, मैं जिस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन बना रही हूँ उस तरह से आपको यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है, तो हमारा बो बन के तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब हम लोग बीच में ग्लू लगाएंगे और दोनों साइड से उस तरफ से इस तरफ से हम लोग उसको स्टिक कर लेंगे। एकदम ईजी है बनाना, आप बना लेंगे आराम से, कोई डिफिकल्ट नहीं है बनाना। देखिए यहाँ पर मैंने इसको भी यहाँ पर स्टिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो बो है उसके बेल्ट को भी कट करके वहाँ पे स्टिक करूँगी। तो इस तरह से हमें उसको कट कर लेना है। और जो हम लोग बो बनाए हैं उसके नीचे, बो के ऊपर नहीं करेंगे, बो के नीचे हमको ये पेपर को भी स्टिक कर देना है। और डेकोरेट करने के लिए आप यहाँ पे स्पार्कल का जो अपने ट्यूब आते हैं उससे भी आप यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं, पर्ल से भी डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे आपको डेकोरेट करना है वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारा हमारे ये बुके बन के तैयार हो गया है। आपको मेरा ये पेपर क्राफ्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी नए DIY और रेसिपी के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। फिर मिलती हूँ एक बहुत ही प्यारे DIY या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।